प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7th के पंचमा पाठ 5th लेसन पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई के 3rd अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा कि समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। माता पिता बड़ी बहन अकाल के कष्ट से दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में पैदल घूमी और अंत में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुषी के कारण पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित भी हुई और वहां उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। स्त्रियों के लिए भी वेद शास्त्रों का जो है उसने आग्रह किया और आंदोलन चलाया कि इनको भी जो है वेदादि शास्त्रों के अध्ययन की परमिशन मिले। और 1880 में उसका विवाह जब श्री विपिन बिहारी दास के साथ हुआ तो 1.5 वर्ष के उपरांत ही उनके पति भी परलोक सिधार गए। अब जो है आगे देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपने इस विषम जीवन का जो है सामना किया। तदंतरम इसके बाद सा वह कौन? रमाबाई पुत्र्या मनोरमया पुत्री मनोरमा के सहसाथ जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्रम महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत लौटी। उसके बाद में वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र वापिस आ गई और नारीणाम नारियों के सम्मानाय सम्मान के लिए और शिक्षा यही शिक्षा के लिए सा उसने किसने रमाबाई ने स्वकीयम अपना जीवनम जीवन अर्पितवती अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य हंटर शिक्षा आयोग कई आयोग आए जिन्होंने हमारे समाज की शिक्षा प्रणाली की जो दिशा थी उसको संतुलित किया कि किस प्रकार से जो है कक्षाओं का प्रारूप होगा, कौन कौन सी कक्षाएं रहेंगी, किस कक्षा का बोर्ड रहेगा, क्या नीति रहेगी। तो एक हंटर शिक्षा आयोग आया था तो उसके समक्षम उसके सामने नारी शिक्षा के विषय में सा उसने रमाबाई ने स्वमतम अपना जो मत था वह प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी विषय में जो उनके विचार थे वो उसने अवगत करवाए। सा वह कौन? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गतवती गई। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई और तत्र वहां पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय कई महिलाओं की शिक्षा के विषय में तत्र वहां ईसाई धर्म के स्त्री विषय कई स्त्री विषय उत्तम विचार ही उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता प्रभावित हुई। तो रमाबाई ने क्या किया, यह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ वापिस महाराष्ट्र आई। वहां पर भी नारी सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए इन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में अपना जो है मत प्रस्तुत किया। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई और ईसाई धर्म से वहां प्रभावित होकर के उनके जो स्त्री के विषय में उत्तम विचार से उनसे रमाबाई जी प्रभावित हुई। आगे 4th पैराग्राफ में दिया है कि इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश जो है आगच्छत गई। पहले इंग्लैंड देश गई, वहां पर ईसाई धर्म के जो स्त्री विषयक विचार थे उनसे प्रभावित हुई और इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में गच्छत और अमेरिका देश को गई। तत्र सा वहां पर उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम धन एकत्रित अकरोत किया। अमेरिका में भी जाकर के उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ यानी धन संचय इकट्ठा अकरोत किया और भारत प्रत्यागत्य वापिस आकर मुंबई नगर में सा उसने रमाबाई ने शारदा सदन अस्थापयत स्थापित किया। अर्थात शारदा सदन की स्थापना किसने की?
रमाबाई ने की, कहां मुंबई में और कहां से लौटकर, अमेरिका से लौटकर। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया, निस्सहाया अर्थात बेसहारा स्त्रियः, स्त्रियां निवसंती, रहती सम थी। अस्मिन आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसंती सम, इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र वहां पर स्त्रियः, स्त्रियां मुद्रण, मुद्रण क्या होता है, छपाई, और टंकण टाइप, यानी छपाई भी सीखती थी, टंकण भी करती थी, और काष्ठ कला दीनांच, काष्ठ कला यानी लकड़ी की जो हम उससे निर्मित करते हैं, लकड़ी से जो घर में आने वाले हमारे संसाधन है उनको, तो काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण अपि, प्रशिक्षण भी लभन्ते सम प्राप्त करती थी। रमाबाई का जो ये आश्रम था शारदा सदन, उसमें स्त्रियां मुद्रण अर्थात छपाई, टंकण टाइप और काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण लभन्ते सम प्राप्त करती थी। परम परंतु इदम यह, यह कौन, ये शारदा सदन जो है पुणे नगरे, पुणे नगर को स्थानांतरितम जातम, स्थानांतरित तो हो गया। परंतु यह सदन जो है पुणे नगर में स्थानांतरित तो हो गया। ततः उसके बाद पुणे नगरस्य, पुणे नगर के समीपे केड़गांव, केड़गांव स्थाने स्थान पर मुक्ति मिशनम, मुक्ति मिशन नाम का संस्थानम, संस्थान तया उसके द्वारा, रमाबाई के द्वारा स्थापितम, स्थापित किया गया। अब देखिए पुणे नगर के समीप एक केड़गांव है, वहां पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम का एक अन्य संस्थान स्थापित किया। पहले शारदा सदनम, बेसहारा स्त्रियां रहती थी, छपाई सीखती, और मुद्रण जो है छपाई होता है, और टंकण टाइप करना सीखती, और काष्ठ कला लकड़ी की कलाओं का ज्ञान प्राप्त करती। और यह फिर चला गया पुणे नगरे, और वहीं पुणे नगर के पास केड़गांव में इन्होंने मुक्ति मिशन नाम का संस्थान भी स्थापित किया। अत्र यहां अधुना अपि, आज भी निराश्रिता, निराश्रिता निराश्रिता बेसहारा स्त्रियः, स्त्रियां ससम्मानम, सम्मान पूर्वक जीवनम, जीवन यापयन्ति, यापन करती है। आज भी वहां पर जो स्त्रियां हैं वो सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने पढ़ा कि रमाबाई कहां गई, सबसे पहले इंग्लैंड देश को। वहां पर भी उन्होंने ईसाई धर्म के जो नियम थे, जिनमें स्त्रियों के प्रति सम्मान था, उनसे वह प्रभावित हुई। फिर अमेरिका गई, वहां पर स्त्रियों के लिए धन संचय किया, और उसके बाद में मुंबई आई, शारदा सदन स्थापित किया। वहां पर निस्सहाय स्त्रियां रहती थी, और वो छपाई, टाइप और काष्ठ कला का ज्ञान प्राप्त करती थी। उसके बाद में यह जो सदन था वो पुणे नगर आ गया, और पुणे नगर के पास केड़गांव में मुक्ति मिशन की भी इन्होंने स्थापना की। यहां आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो ये पंचम पाठ था उसका आज तीसरा और चौथा जो हमारा अनुच्छेद था वह पूर्ण हुआ, और नेक्स्ट अंक में यह लेसन जो है हमारा पूर्ण हो जाएगा। आज से पीछे के आपके सेवंथ क्लास के जो वीडियोस हैं एक जगह पाने के लिए गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं। चैनल को जैसे ही आप ओपन करेंगे ऊपर मिलेगी प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट को क्लिक करने पर आप वहां अपनी क्लास का आइकन प्राप्त करके सभी वीडियोस एक जगह सीक्वेंस में आप पा सकते हैं। और यदि आप इसके कठिन शब्दों को देखना चाहते हैं या शब्दार्थों को देखना चाहते हैं तो एक नजर आप उन पे डालिए। अर्थ संचयम, धन संचय, प्रत्यागत, प्रति आगत, ई का यह बन गया। देखो प्लस से पहले क्या है, ई, और प्लस के बाद है आ। जब प्लस से पहले आपको ई, ऊ और री प्राप्त हो और आगे भिन्न स्वर हो, अब जैसे ई से आगे भिन्न क्या है, ई के आगे ई नहीं है, तब वह दीर्घ संधि होती, तो अब ई के आगे जब भिन्न स्वर है तो ई य में परिवर्तित हो जाता है, यह यण संधि है। प्रत्यागत, लौटकर, सदनम, भवन की, अस्थापयत, स्थापना की, निस्सहाया, निः प्लस सहाया, बेसहारा, मुद्रण छपाई, टंकण टाइप, काष्ठ कला दीनांच और काष्ठ कला आदि का लभन्ते सम प्राप्त करती थी, और निराश्रिता, निरपलस आश्रिता यानी बेसहारा, और यापन्ति, बिताते या बिताती हैं। तो आप इन शब्दार्थों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करें ताकि आपके
अन्य अध्ययन में यह संयोगी हूं। धन्यवाद।